एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टार की बात कर रही हूं जिसका नाम वीनस है, जो हमारी लिक्विडिटी, हमारे अट्रैक्शन, हमारे रिलेशनशिप, उसके अलावा लव, मेटलिस्टिक लाइफ, क्रिएटिविटी इनका कारक है। उस प्लेनेट का नाम है वीनस। वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं इन लिब्रा में। इसके पहले वीनस डेबिलेटेड पोजिशन में थे इन वर्गो, उसके अलावा केतु के साथ भी थे। तो वी आर नॉट कम्फर्टेबल विद दैट टाइम, क्योंकि लास्ट 25 डेज वॉज वेरी अनइजी फॉर एवरीवन। लेकिन अब वो लिब्रा में आने वाले हैं, जो कि उनका खुद का साइन है, और एक पावरफुल पोजिशन में वो रहने वाले हैं। 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में वो ट्रांजिट करेंगे लिब्रा। सारा ज्योतिषी मैं बताने वाली हूँ कि क्या असर होने वाला है इन 25 दिन के अंदर। उसके अलावा इस समय वीनस से किसी भी प्लेनेट का कोई भी एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन ट्राइंग में सैटर्न और मार्स है। लेट्स स्टार्ट से बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। इस समय एरीज वालों के लिए क्या हो रहा है कि, और मार्स आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd हाउस में, इस समय एरीज वालों के लिए क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको आपका पार्टनर या आपकी रिलेशनशिप, इसमें इस समय आप बहुत ज्यादा पावरफुल पोजिशन में रहेंगे। यानी कि आप नीड अ पार्टनर, और अगर ऑलरेडी पार्टनर है तो यू स्पेंड लाइक गुड स्पेंड क्वालिटी टाइम बिताएंगे। उसके अलावा इस समय अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई प्रपोज कर सकता है जिसके लिए आप काफी समय से वेट कर रहे थे। 7th हाउस में वीनस आ रहे हैं, लिब्रा में आ रहे हैं, तो एरीज वालों के लिए समय एक रोमांटिक एटमोस्फियर की बात कर लूं, या फिर एक आपका लोनलीनेस खत्म होने की बात कर लूं, या फिर एक वीनस की पावर आप फील करेंगे, 7th हाउस में बैठ करके आप ही को 7th एस्पेक्ट से वो देख रहे हैं। उसके अलावा इस समय आपका पार्टनर की तरफ से आपको अच्छी गिफ्ट मिल सकती है, एक प्यार, एक रिलेशनशिप, एक एक ना कि एक बॉन्डिंग, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत स्टेबिलिटी इस समय फील होगी। दैट इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर रिलेशनशिप, फॉर न्यू रिलेशनशिप की बात कर लूँ, शादी की बात कर लूँ, कोई आप कमिटमेंट में जा रहे हैं, तो दैट इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। और ऑलरेडी है तो भी समय बहुत अच्छा है, आप वैल्यू करेंगे अपनी रिलेशनशिप की, और आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत ज्यादा एक सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप जॉब में हैं, इस समय आपको कहीं ना कहीं बहुत प्लस पॉइंट मिलने वाला है इन योर आई कैन से इंक्रीमेंट। जॉब में है, कम्युनिकेशंस में है, सेल्स मार्केटिंग में है, तो इस समय बहुत अच्छा है, और बिजनेस में तो इस समय बहुत ज्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलने वाला है, सपोर्टर्स आएंगे बाहर, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, पैसा आ सकता है। उसके अलावा कोई बहुत अच्छा नेटवर्क भी आपको इस समय मिल सकता है। हो सकता है नेटवर्क से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, या कोई ग्रुप से, फ्रेंड्स ग्रुप में कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। इस समय बहुत ज्यादा एक लव वाला आपके लिए इफेक्ट आने वाला है। वेरी गुड टाइम, वेरी गुड टाइम, पर्सनलिटी चेंज करेंगे इस बार। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 1st हाउस के लॉर्ड वीनस है, और आपके आ रही है 6th हाउस में। इस समय आपको सबसे पहले तो यू गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स। उसके अलावा इस समय आपकी मनपसंद की जो जॉब होती है ना, कि मुझे ये जॉब करनी है मनपसंद, या मुझे मनपसंद इस करियर में जाना था, इस करियर को मुझे चाहिए, या ये जो एक होती है इच्छाओं के साथ में काम करता है, क्योंकि वीनस आपकी इच्छाएं भी है, कहीं ना कहीं रिलेट करता है डिजायर्स जो आप लेकर के इस दुनिया में आए। स्पेशली आपके करियर की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, इस समय वीनस 6th हाउस में आए हैं। एज पर आई कैन से हाउसेस तो वो डेबिलेटेड है, बट ये लिब्रा का साइन है, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। उसके अलावा इस समय आप बहुत स्टेबिलिटी फील करेंगे इन योर करियर ऑल्सो। वर्क प्लेस पे आप अपनी पर्सनलिटी को बदलेंगे, कहीं ना कहीं अगर अप्लाई कर रखा था जॉब, बिजनेस या पढ़ाई के लिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। इंक्रीमेंट हो सकता है, पैसा कमाने का और जोड़ने का इस समय आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, टॉरस वालों को 1st हाउस पर और 6th हाउस में आ रहा है, कहीं ना कहीं इस समय आप ऐसा कोई काम करेंगे जिसकी वजह से आपको रूटीन काम करना पड़े, या प्रारब्ध कर्म बढ़े, या फिर आपका डे बाय डे रूटीन सेट हो जाए, बट यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू वॉन्ट, आप चाहते थे कि मेरे साथ ऐसा हो, और उस चीज को बहुत खुशी के साथ, बहुत एक एनर्जी के साथ करने वाले हैं। उसके अलावा इस समय आप नया कोई जॉब में भी जा सकते हैं, नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर। लोन ले रखा था तो लोन भी मिल जाएगा, या लोन भी आप पास मतलब चुकाना था तो चुका भी सकते हैं।
उसके अलावा इस समय आपके एक एनर्जी फील करेंगे इस समय विथ योर बैंक बैलेंस, क्योंकि शुक्र इस कार का उपयोग बैंक बैलेंस ऑल्सो लिक्विडिटी ऑल्सो, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू नो डाउट। सिक्स हाउस में आ रहे हैं, प्रारब्ध कर्म बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं रूटीन चीजें बढ़नी पड़ सकती है, पार्टनर की वजह से आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा काम करना पड़े, या लोन लेकर के आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो भी आपका हो सकता है, बट इट इज अ टाइम इज गुड बिकॉज लिब्रा है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी और आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर कोई अप्लाई करना था या रोके हुए थे अप्लाई करने के लिए जॉब बिजनेस या पढ़ाई के लिए, तो इस वक्त तुरंत कर दीजिए, समय अच्छा है आपके, गुड टाइम। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसलेट कर रहे हैं ये फिफ्थ हाउस में, जेमिनी वालों के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है इस समय। कहीं ना कहीं आप एक वो होता है ना कि किस्मत वाला जो इंसान होता है जिसकी किस्मत चल जाती है, वो वैसा इंसान इस समय बनने वाले हैं फर्स्ट हाउस में आपके, इसमें मार्स ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पावर तो काम कर ही रही है इन योर कम्युनिकेशंस। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप विदेश में जाएं पढ़ाई करने के लिए, या अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो विदेश में जाएं जॉब करने के लिए। इस समय कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन मिल रहा है फ्रॉम द अब्रॉड, कहीं और जाने का हो सकता है कि इस समय आपको कोई प्रमोशन मिल जाए और उसकी वजह से आप कहीं और शिफ्ट हो जाए। किस्मत साथ दे रही है आपका, कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है आपकी लाइफ में बड़े लेवल। इस समय बहुत फ्यूचरिस्टिक इंसान बनकर के आ रहे हैं, जो आप चाह रहे थे वेटिंग में जा रहे थे, या फिर आप सोच रहे थे कि मुझे क्रिएटिव लाइन में जाना है, कुछ अलग करना है मेरी जिंदगी में, एक विजन आपका जो था, इस समय उस विजन को आप पंख देने वाले हैं। ये समय आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है फर्स्ट हाउस से मार्च में ऑलरेडी का, वो एनर्जी इस समय बहुत ज्यादा आपको काम आएगी। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप डेटिंग करें, नोट हो सकता है आप करेंगे, इस समय आप डेटिंग करेंगे, कोई इंसान आपकी लाइफ में इस समय आ सकता है, कोई इंसान आपकी लाइफ में कोई इंसान आपकी लाइफ में इस समय आ सकता है, हो सकता है कोई, अगर ऑलरेडी से आप डेटिंग कर रहे हैं तो वहां से आपको कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिले, या कि कोई आपको प्रपोज करे, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा इस समय आपकी पढ़ाई, नॉलेज, ज्ञान, या कोई बड़ा, अगर आप पढ़ाई करने के लिए जाने वाले थे बड़ी बड़ी एजेंसी की, कोई मास्टर्स डिग्री लेने जाने वाले थे, तो हो सकता है कि आपको इजीली बहुत आराम से अच्छा से कोई एडमिशन मिल जाए इन योर बिग कॉलेज। दिस वेरी गुड टाइम फॉर द जेमिनाइज पीपल, अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट कीजिए, एनर्जी को यूज कीजिए। उसके अलावा इस समय आपका सेटन भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा, नाइन्थ हाउस में आपकी किस्मत का साथ मिल रहा है। अब बात करने वाली हूँ मैं कैंसर वालों की, कैंसर वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं ये आपके फोर्थ हाउस में। इस समय 200% कैंसर पीपल जो है वो आप अपने घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं, या फिर कोई घर की बड़ी डील इस समय आप कर सकते हैं। This is very good time for the Cancer people कि आप अपने घर को बदलें, या अपने घर को कोई नया वास्तु प्रसंग में चेंज करें, यानी कि वास्तु के हिसाब से, या फिर कुछ नया फर्नीचर आपने डाल लिया, चेंजेस कर लिए, रिनोवेट करवा लिया, कैन बी पॉसिबल। हो सकता है कि इस समय आप कोई बड़ी गाड़ी लें जिसको आप काफी समय से सोच रहे थे कि मुझे खरीदनी है, अच्छा मोबाइल, एकदम फैंसी न्यू इस तरह का मोबाइल लें, क्योंकि फोर्थ हाउस में आपके वीनस आ रहे हैं और यहाँ पर इंसान बहुत अपनी रहने का तरीका, अपनी जो चीज़ें रूटीन यूज़ करता है, अपनी फिक्स असेट्स, इन चीज़ों में बड़ा बदलाव करता है और उनको बहुत एक ब्यूटीफुल तरीके से चेंज करता है। दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द कैंसर पीपल। यू आर वेरी कंफर्टेबल एट योर होम ऑल्सो, अगर पहले से कहीं रेंट पे रह रहे थे तो हो सकता है घर के मकान में शिफ्ट कर ले और आप बहुत कंफर्टेबल हो जाए कि नाउ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल एट माय होम। एक होता है ना एक सुंदर घर जहां मैं चाहता था रहना, इस तरह की चीजें आपके साथ होने वाली है, टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप सडन चेंज तो हो ही रहा है, हो सकता है कि इस समय आपकी जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट कर ले फ्रॉम योर होम, कि मुझे घर से कोई चीज कमाई स्टार्ट हो गई, या घर बैठकर भी मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे पैसा मिल रहा है। ये टाइम बहुत एनर्जी का है आपको। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो, या ऐसे कोई ट्रैवलिंग में चले जाएं जहाँ कि आप काफी समय से चाह रहे थे मुझे ट्रैवलिंग करनी है। गुड टाइम फॉर यू नो डाउट। फोर्थ हाउस में वीनस अच्छा समय अच्छी चीज देते हैं। माता के साथ संबंध भी इस समय आपके सुधरेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो।
गुड है, रहने का तरीका, आसपास का एटमोसफियर, वो चीजें आप इसमें बदलाव करेंगे। और घर, मैंने बताया कि हो सकता है घर से आपको बिजनेस स्टार्ट कर ले इस समय। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों को ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में। इस समय लियोज वालों को सबसे पहले तो आपकी नेटवर्क और आपकी आई कैन से कि ग्रुप कम्युनिकेशंस, उसके अलावा आपकी अपीयरेंस इन द सोसाइटी, इन चीजों में बदलाव इस समय आप करेंगे, वो भी इन द गुड मैनर। इस समय आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे कि मुझे मित्र बना लें। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज सीखे जो कि आप काफी समय से सोच रहे थे सीखना, कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन करें, गाना, सिंगिंग, डांस करना, जो वीनस से रिलेटेड होती है, सम पेंटिंग्स जो क्रिएटिविटी को दर्शाती है, जो कि बहुत क्रिएटिव इंसान करते हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर जॉब या एट योर करियर के लिए आप कोई स्मॉल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं रिगार्डिंग वीनस। गुड कम्युनिकेशंस बढ़ेगा, ग्रुप्स बढ़ सकता है, लोग मिलेंगे, नए मित्र बनेंगे। उसके अलावा एक नया नेटवर्क भी बनेगा जहाँ के, जहाँ पर आप बहुत एनर्जी फील करेंगे इस समय। इसे हो सकता है अगर आप बिजनेस में हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रैवलिंग विल बी देयर, बट ऐसी ट्रैवलिंग जो कि आप चाह रहे थे, चाहत वाली ट्रैवलिंग, डिजायर्स कंप्लीट करने वाली ट्रैवलिंग। मेरी इच्छा है कि मुझे पर्टिकुलर जाकर के ट्रिप करना है, पर्टिकुलर चीज़ देखनी है या घूमना है, इस समय वो सारे काम लियोज वाले करने वाले हैं। अगर आप फ्री थे, कोई आप काम नहीं कर रहे थे या आपको कोई बिजनेस का है, जॉब का होता, तो इस समय आपको बहुत अच्छा कोई बिजनेस पार्टनर मिल सकता है या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो आपके ग्रुप में से कोई इंसान आकर के आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। देयर इज अ वेरी गुड कम्युनिकेशन थिंग्स इज देयर, अच्छे मित्र मिल रहे हैं, बहुत अच्छी एक फैंसी चीज हो रही है, फैशन चेंज कर रहे हैं, बात करने का तरीका बदल रहे हैं। देयर इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द लियोज पीपल, अच्छे एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा अपनी सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। उसके अलावा आपका जो ऑलरेडी नेटवर्क है उसमें भी आप एक इनिशिएट लेंगे, लीडरशिप क्वालिटी विल बी देयर। गुड टाइम फॉर यू, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है इस पर, बहुत अच्छा समय करियर, गुड टाइम। कैश कीजिए इस समय को, घूमिए फिरिए, लोगों से मिलिए, इंटरनेट पे, ऑनलाइन पे या सोशल मीडिया पे भी आप, हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट करें और वहाँ आपको अच्छी सफलता मिले। लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आगे बढ़ करके अपने कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। गुड टाइम, गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। अब बात करते हुए वर्गोज वालों की, वर्गोज वालों के ट्रांसफर कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। इसके पहले वर्गोज वालों के फर्स्ट हाउस में थे तो, और जो भी डेवलेटेड पोजिशन में, केतु ऑलरेडी ट्रांसिट इन द फर्स्ट हाउस, कहीं ना कहीं आप बहुत अनइजी फील कर रहे थे। उसके अलावा आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी में आप बहुत लैग फील कर रहे थे कि मैं इतना अनकंफर्टेबल कि मैं कैसा भी दिख रहा हूँ, एक लेट गो वाली स्थिति हो जाती है, नो रोमांटिक बिहेवियर, नथिंग, बट यू फील कंफर्टेबल नाउ। इस समय सेकंड हाउस में वीनस आ रहे हैं, वो भी लिब्रा में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि मेरा करियर क्या काम कर रहा है, मेरे करियर में क्या हो रहा है। उसके अलावा इस समय आप कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देंगे जो कि आपके करियर को इनहेंस करेगी, अपने करियर पे। इस वक्त मार्स आपके 10th हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं, वो भी एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, कहीं ना कहीं आप अपने करियर में कुछ बड़ा बूम लेकर के आएंगे इस समय। हो सकता है उसकी वजह से आपके पास पैसा आएगा, पैसा जोड़ेंगे सेकंड हाउस में वीनस आ रहा है, ठीक है, एक बैलेंस लाइफ की तरफ जाएंगे इस समय। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं कैसा दिखता हूँ, पर्सनैलिटी कैसी है, खाने में क्या खाना चाहिए, बैंक बैलेंस के क्या हाल है, फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप, अपनी पर्सनैलिटी को बदलेंगे। हो सकता है इसे अपने वार्डरोब को चेंज करें, सेकंड हाउस आपका तन भाव है, दिखते कैसे हैं, ठीक है, एक हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, एक आपका ड्रेस कैसा पहना है, शूज कैसा पहना है, ये सब चीज़ों को आप इस सब ध्यान देने वाले हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ भी आपकी जो एंट्री है या आपकी जो पर्सनैलिटी है, सड़न लोगों ने अलग से दिखने लग गया, इसमें कुछ चेंजेस आ गया, पर्सनैलिटी बदल गई है, इस तरह की चीज़ें होने वाली है। गुड अपॉर्चुनिटी विल बी देयर रिगार्डिंग योर करियर, इस समय आपके करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि इस समय आप अपने घर का या लिनेज का कोई बिजनेस है उसको ज्वाइन करें, फैमिली से बड़े लेवल का सपोर्ट सिस्टम इसका इस समय आपको मिल सकता है। अगर कोई लोन के लिए अप्लाई कर रखा था रिगार्डिंग योर करियर, मान लीजिए आप स्टूडेंट है तो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रखा था, या बिजनेस के लिए कोई लोन के लिए अप्लाई करा, तो इस समय आपको पैसा आपके पास आएगा, पैसा मनी विल बी देयर, नो डाउट, पैसा तो आपके पास आने वाला है, इसे कमाने के साथ हो जाए, अगर लोन के लिए आ जाए, फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, फादर फिगर सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है,
आपके पार्टनर की तरफ सपोर्ट से मिल रहा है, इट विल बी देयर। उसके अलावा इस समय अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपकी हो सकता है कि अरेंज मैरिज की तैयारियां हो। बहुत अच्छा समय आपके सेकंड हाउस में वीनस है, सेकंड हाउस में वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कारका होता है सेकंड हाउस में, यहाँ पर टॉरस है। इस समय आप बहुत ज़्यादा अच्छे फैमिली पर्सन विद अ गुड सपोर्ट सिस्टम, जिसका बैकअप बहुत हाई लेवल पे काम करता है, ऐसे इंसान बन करके निकलने वाले हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें थी उनको सॉर्ट आउट करेंगे इस समय, मनी मैटर्स को लेकर के, फूड को लेकर के, पर्सनैलिटी, दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। अच्छा समय आपके लिए, एनर्जी को यूज़ कीजिए, एनर्जेटिक रहिए, आलस्य की यहाँ जगह नहीं है। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की, आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांसिट करने वाला। इस समय लिब्राज वालों के लिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको, आप सबसे पहले तो आपको बहुत एनर्जी फील होगी क्योंकि आपके सेवंथ हाउस में से मार्स ट्रांसिट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक गुड एनर्जी वाला जो इंसान होता है। उसके अलावा इस समय आपकी ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर बिकॉज आपके एट हाउस में लिब्रा का ही प्लेस है, ठीक है। कहीं टॉरस वहाँ पर है, फर्स्ट हाउस में आ रहा है, फर्स्ट एट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो एक ऐसी पर्सनलिटी जो ट्रांसफॉर्म होती हुई आ रही है, मेंटल लेवल की बात कर लूँ या पर्सनलिटी की बात कर लूँ, थॉट प्रोसेस की बात कर लूँ। उसके अलावा इस समय आप काफ़ी हद तक इस तरह की चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से आपको एक विजन सेट होगा इन योर करियर ऑल्सो, क्रिएटिविटी जगेगी इस समय आपकी। इस वक्त आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। इस समय आपको कोई ऐसा गुरु या कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको बताएगा कि आपको आपकी ज़िंदगी में करना क्या है इन फिजिकली मैनर। ऐसा कि ठीक है सोच रहा हूँ पर कुछ कर नहीं रहा हूँ, एक आइडिया था बट आप उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। उसके अलावा इस समय सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक फेम वाली स्थिति पा सकते हैं। सडनली आपको हो सकता है कोई बड़ी फेम मिले, सडनली कोई आपको बड़े कोई प्रमोशन मिल जाए, गुड अपॉर्चुनिटी विल बी देयर, नो डाउट। लिब्राज वालों के लिए समय अथा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पहले डेबिलिटेड थे, ट्वेल्थ हाउस में थे, ठीक है, नॉट कंफर्टेबल पोजिशन में थी। अब नाइन्थ हाउस में आपके मार्स चल रहे हैं और फिफ्थ हाउस में आपके सैटर्न और फर्स्ट हाउस में आपके शुक्र आ गए, तो ये जो तीनों प्लैनेट मिलकर के ना आपको एक ग्रोथ दे रहे हैं बड़े लेवल की, एक ट्राइंगल बन रहा है आपकी हॉरोस्कोप में इस समय। लिब्राज वालों की बात करूँ, एक बड़ी ग्रोथ, एक आपकी चेंज ऑफ पर्सनैलिटी, चेंज ऑफ आपका तो थॉट प्रोसेस। उसके अलावा इस समय आप सडनली क्यों ना कि जो मैंने इतनी मेहनत करी थी, अपने जो काम किए थे, जो कर्म किए थे, उन सबका रिजल्ट आपको इस समय मिलने वाला है। हनुमान जी कह रहा था तो आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेटर है। उसके अलावा इस समय आप अपने करियर, आपके रिलेशनशिप, आपका कोई भी आई कैन से कि बैंक बैलेंस, आपका कोई भी स्टेबिलिटी, इन सब में अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो सारी प्रॉब्लम इस समय सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। अपने फर्स्ट हाउस में लिब्रा है, उसी में आ रहे हैं शुक्र, तो कहीं ना कहीं शुक्राचार्य का जो आपको गिफ्ट मिलने वाला है कैन से, वो बहुत ही डिफरेंट होगा। इस समय आपकी सारी लाइफ के जितने भी फील्ड्स हैं हॉरोस्कोप के 12 जो हाउसेस हैं, उन सबको आप बहुत अच्छे लेवल से कंडक्ट करेंगे, बिखराव को समेटेंगे, बैड डेप्थ जो भी अगर प्रॉब्लम्स थी, लॉसेस हो रहे थे, उन सबको आप रिकवर करने की कोशिश करेंगे और इस समय आप करेंगे भी। सडनली आपके पास बहुत अच्छा पैसा भी आ सकता है, सडनली अपॉर्चुनिटी आ सकती है, सडनली कोई आपको एक बहुत अच्छा जॉब स्टेबिलिटी आ सकती है। इसमें आप ट्रैवलिंग भी करेंगे तो वहाँ पर जाने, ऐसी जगह पर जाएंगे ताकि आपको सक्सेस मिलती है, हो सकता है प्रमोशन हो तो, लेकिन यू फील गो सम अनदर प्लेस, लाइक कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो यू फील गुड कि आप प्रमोशन के बाद यहाँ पर आया हूँ। एक अच्छी ग्रोथ इस समय आपको मिलने वाली है, आपकी पर्सनलिटी भी चेंज होगी, आपका लुक आप इस समय चेंज करेंगे, आपके बालों का कलर बता दूँ, आप कोई हो सकता है कि कोई पार्लर जाए, वहाँ पे अपनी बॉडी को चेंज करें, खूबसूरत दिखना शुरू करें, अट्रैक्शन को फील करें या अट्रैक्टिव बने, बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे इस समय आप। और रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है, अगर सिंगल है तो आपकी शादी के चांसेस है, या फिर अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं, डेटिंग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, बहुत सारी चीज़ों की बहुत अच्छा समय है। कैसे स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसफर कर रही है ट्वेल्थ हाउस में। सबसे पहले तो इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, नो डाउट। हो सकता है कि आप वो प्लान कर रहे थे कि मुझे विदेश यात्रा करनी है, या मुझे पर्टिकुलर प्लेस पे यात्रा करनी है, या मुझे पर्टिकुलर जॉब के लिए जाना है, तो इस समय वो सारे काम आप इस समय करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा इस समय आप, हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में विदेश यात्रा करें, या पार्टनर के साथ में घूमने चले जाएं,
ट्रैवलिंग इज देयर, और ऐसी जगह ट्रैवलिंग करेंगे जहाँ बहुत से टाइम से चाहते थे ट्रैवलिंग करना, ठीक है। हो सकता है कि कोई जॉब के लिए बाहर जाए, इंटरव्यू के लिए जाए, या सेटल्ड भी हो जाए, इस तरह की चीज़ें चेंज होती हुई नजर आ रही है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ स्कॉर्पियोज वालों की, आपकी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है इस समय, हो सकता है कि आप अपनी लीनियज की जगह पर ट्रैवलिंग करें, जहाँ आपके बुजुर्ग रहते थे, आपके बहुत पुराने जो घर है वहाँ पर आप ट्रैवलिंग करें, एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर कि मैं चाहता था यहाँ आना, घूमना फिरना, अच्छा समय आपके लिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ स्कॉर्पियोज वालों को, इस समय आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कि आप अपने जो आपका फैमिली है, जो आपका लीनेज है, या आपकी जो घर है, उन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाएंगे इस समय, और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपका घूमना फिरना या मेहनत करना या उनका टेक केयर करना, इस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं। सब को प्रॉपर्टी है, बहुत पुरानी पड़ी हुई थी, अब आप जाके उसको टेक केयर करेंगे, उसको अपने अंडर में लेंगे कि आप उसको रिनोवेट करवाना है, ये मेरे पुरखों की जगह है, ज़मीन है, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। हो सकता है आप कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेने और वहाँ पर काम करना शुरू कर दें, खुद का ऑफिस, खुद का काम, खुद की कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते थे, तो ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्वयं का, हर चीज़ स्वयं की, जमीन भी स्वयं की, बिजनेस भी स्वयं का, इस तरह की जो एक कि एक लीडरशिप क्वालिटी इस समय आप करने वाले हैं, सडनली विल चेंज लॉट्स ऑफ थिंग्स, गुड थिंग्स। उसके अलावा विदेश यात्रा भी है, यात्राएं, ट्रेवलिंग इज देयर नो डाउट। सडनली यू फील वेरी चेंजेस थिंग थी, मैं अपना थॉट प्रोसेस चेंज करूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी जो पहले छूट गई थी, उन सब चीज़ों को इस समय आप रिकवर करेंगे। समय बहुत अच्छा है आपका, लेकिन इस समय सडनली आपको एक चीज़ रहेगी कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या आपको सडनली ऐसा फील हो सकता है कि आपको खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। शुक्र 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, हो सकता है कि इस समय आप अपनी पार्टनर के लिए कोई बहुत महंगा गिफ्ट लेकर के आए, या उसे महंगा गिफ्ट दें, या ट्रैवलिंग करेंगे तो भी खर्चा होगा, या विदेश की चीज़ें आप खरीदें, इट कैन बी पॉसिबल। बट इस समय चीज़ें जो बदल रही हैं वो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी और आपको स्टेबिलिटी देगी। इस समय जिम्मेदारियों के लिए आपको तैयार हो जाना है। उसके अलावा किसी भी इंसान, नए इंसान से अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो सोच समझ करके जाइए, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली उसको पसंद ना करें, एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ आप, और किसी भी तरह का एडिक्शन ना पालें, दैट इज़ अ थिंग्स। सेशन वालों की बात करी आपके दैट इज़ अ थिंग्स। सेशन वालों की बात करी आपके ट्रांसफर कर रही है 11th हाउस में, बहुत ज़्यादा अच्छा समय इस समय आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आप एक होते ना कि नेटवर्क पीपल, जो बहुत पार्टी पीपल होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लोग साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, नया नेटवर्क बनाना, इस तरह की चीज़ें आप करने वाले हैं, और उस वो जो भी नेटवर्क में आपको मिलने वाला है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे ऑटोमेटिकली आपको इनकम भी मिल रही है। सडनली ऐसे नेटवर्क में एंट्री कर सकते हैं जो कि बहुत फेमस नेटवर्क है, ग्लैमराइज वाला, जो है ग्लैमर इंडस्ट्री वाला जो होता है, या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो कि बहुत फैशनेबल है, क्रिएटिव लोग हैं, ऐसे लोगों के नेटवर्क में आपकी एंट्री समय हो सकती है। उसके अलावा इस समय आप, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर पार्ट, हो सकता है नेटवर्क से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए और सडनली आप रिलेशनशिप में चले जाएं, बहुत अच्छे लेवल पर एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाएं, या चैटिंग स्टार्ट हो जाए, या बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रैवलिंग विल बी देयर। उसके अलावा वो नेटवर्क का सपोर्ट आपको बहुत अच्छे लेवल पर मिलने वाला है। सेल्स मार्केटिंग में है तो भी समय बहुत अच्छा है आपका। सेशंस वाले अगर सिंगल हैं तो इस समय हो सकता है कि आपको इंसान आपकी लाइफ में आए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि मार्स 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, मांगलिक दोष बता रहा है आपको इस समय मार्स का, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द शुक्र के ट्राइंगल में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी से अगर कोई पार्टनर है तो हो सकता है कि यू गो टू द अनदर पर्सन और चैटिंग करना शुरू कर दें। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, जनरल प्रेडिक्शन दे रही हूँ। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं मुझे और मतलब किसी और के साथ भी मुझे चैटिंग करना है, बात करना, कम्युनिकेशंस करना, इस तरह की चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैन बी पॉसिबल, बिकॉज एनर्जी बहुत हाई लेवल पर आपको मिल रही है। 3rd हाउस में इसमें आपके सैटर्न है, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं। तो ऑलरेडी अगर आप कमिटमेंट में हैं तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, और सिंगल है तो बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा इसमें आपका प्रमोशन हो सकता है और आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, मनी विल बी देयर, पैसा कमाएंगे, इसमें पैसा कमाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको कोई इंक्रीमेंट मिले, पैसा आए,
कोई अच्छा गेन मिले, या फिर अगर आप फ्री थे तो सडनली आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए रिगार्डिंग योर करियर, दोनों चीजें हो सकती है। मनी विल बी देयर नो डाउट, पैसे तो कमाएंगे और उसकी वजह से नेटवर्क भी मिल रहा है, दोनों चीजें होंगी। 11th हाउस में लिब्रा है, वहां पर शुक्र आ रहे हैं टाइम, बट जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल पार्टनर में जाना है तो माइंड की चीजें। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न वालों की, आपके ट्रांसिट कर रही है 10th हाउस में, इस समय आपके करियर के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपको इस समय मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जगह सैटर्न की, ठीक है। कहीं ना कहीं शुक्र 10th हाउस में आ रहे हैं, सैटर्न की जगह है, मार्स यहाँ एग्जॉल्टेड है, लेकिन आपको जब तक आप काम नहीं करेंगे ना, आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे या फिर अपनी फिजिकल बॉडी को यूज नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सन अपनी पूरी ऑरा के साथ आते हैं और यहाँ पर आ गए हैं शुक्र। प्लस पॉइंट ये है कि हो सकता है कि आपको आपकी मनचाही जॉब मिल जाए, मनचाही करियर आप ऑप्ट कर लें, मनचाही जगह पे आप सेट हो जाएं, या मनचाही पोस्ट आपको मिल जाए, लेकिन वहां पर काम करना पड़ेगा। वहां पर ये नहीं कि ठीक है मिल गई पोस्ट, मिल गया मैं बैठा हूं, नहीं, वहां पर काम जरूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो वो चीज आपको उतनी फ्रूटफुल नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा आप जो भी काम करेंगे उसको आपको आपकी स्टेबिलिटी को ध्यान देकर के करना पड़ेगा। टेम्परेरी गेन या टेम्परेरी रूप से आपको चीजें ठीक है थोड़े दिनों के लिए कर लेते हैं, मनचाही जगह है, मजा, नहीं, डोंट डू इट। यू शुड बी वेरी सीरियस रिगार्डिंग योर करियर। कुछ समय के लिए चेंज कर लेना या टेम्परेरी रूप से चेंज करना, ये चीजें आपके लिए बेटर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इस समय डेफिनेटली आपको हो सकता है कोई जॉब मिल जाए, कोई रूटीन चीज मिल जाए, फ्यूचर सेट हो जाए, या आपको सडनली कोई प्रमोशन मिल जाए। उसके अलावा इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा आप बनाएंगे। उसके अलावा इस समय आपको जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी करियर ऑप्ट कर रहे हैं वो इस तरह से करना है कि आपको आपकी फैमिली को सपोर्ट देना है, ठीक है, या आपकी फैमिली वाले खुश होने चाहिए, या ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, यानी कि लाइट ले लिया ठीक है जो भी पैकेज है चल जाएगा, नहीं, ऐसा काम कीजिए जिससे पैकेज भी अच्छा हो, स्टेबिलिटी भी हो, और मेहनत करना तो बहुत जरूरी है। सैटर्न सेकंड हाउस में है और मार्स आपके 6th हाउस में है, तो काम तो करना पड़ेगा। अगर सीट मिल रही है, जॉब मिल रही है, तो आपको रिलैक्स नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके अलावा इस समय आपको वहां जाकर के, यानी कि आपको बोल करके या आपको कोई इस तरह का डिबेट्स करना या किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेना, या बहुत ज्यादा अपने जो जूनियर्स हैं आपसे नीचे उनके साथ मिसबिहेव करना, तो इस चीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज टाइम बहुत अच्छा है आपका, 10th हाउस में लिब्रा में शुक्र आ रहे हैं, नो डाउट टाइम अच्छा है, बट ये ना कि टाइम ऐसे तरह का बन रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी भी चूक या थोड़ा सा भी लेजीनेस की वजह से चीजें प्रॉब्लम में भी आ सकती। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की, आपके लिए समय बहुत 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 अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले 8th हाउस में शुक्र थे, वो भी डेविलेटेड पोजिशन है विद द केतु, तो यू आर वेरी वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन में थे आप पिछले 25 डेज की बात कर रही हूँ। अब सडनली चीजें बदल रही हैं, 1st हाउस में सैटर्न है और 5th हाउस में आपके समय मार्स है, ठीक है, और शुक्र आ जाएंगे 9th हाउस में। एक जो ट्राइंग बन रहा है वो आपकी ग्रोथ को दिखा रहा है, आपकी करियर की बात कर लूँ या आपकी किसी भी तरह की है, किसी की पढ़ाई कर रहे हैं उसकी बात कर लूँ, फ्यूचर की बात कर लूँ, विजन की बात कर लूँ, या आपकी फिजिकल एनर्जी की बात कर लूँ, इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपको मिल रहा है। 3 बड़े प्लैनेट आपको एक ग्रोथ, आपको एक सक्सेसफुल इंसान, उसके अलावा आपको ना एक डिफरेंट कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, जो कि आपको एक प्रमोट लेवल पे फील होगा। जैसे कि सडनली इंसान का प्रमोशन हो गया, सडनली आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई, सडनली आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ पे आ गया और आप वेट कर रहे थे कि मुझे कोई इंसान आप मेरी जिंदगी में चाहिए, सडनली आपकी पर्सनलिटी चेंज हो गई, सडनली आपको आपकी किस्मत साथ देने लग गई है। 7th हाउस आपके 9th हाउस में है, यहाँ पर जुपिटर की रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन यहाँ पे आपका लिब्रा जॉडियक है और यहाँ पे शुक्र स्वयं आ गए हैं, तो किस्मत का साथ आपको बहुत ज्यादा इसमें मिलने वाला है, बहुत ज्यादा। सडनली आपकी पर्सनलिटी चेंज होगी, सडनली आपका थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग विल बी चेंज, सोचने का तरीका आपका बदलेगा इस समय। उसके अलावा आप अपने घर में बहुत कंफर्टेबल होंगे, मन में बहुत कंफर्टेबल होंगे अभी इस समय, कि मैं जहां पर हूं बहुत अच्छे लेवल पर हूं, शुक्र आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी, यू फील वेरी कंफर्टेबल कि हाँ एवरीथिंग इज ओके नाउ, और जुपिटर वहां पर बैठे हो तो यू फील वेरी कंफर्टेबल। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय, हो सकता है कहीं बाहर जाके पढ़ाई करें या ऑलरेडी से ज्ञान ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए। उसके अलावा इस समय आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि एज ए
आई कैन से गाइड आपको बहुत अच्छे से गाइड करे कि आपको आपके लाइफ में क्या करना है, चाहे वो फ्यूचर की बात कर लूँ आपके, या पर्सनलिटी की बात कर लूँ, या आपके करियर की बात कर लूँ। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे मैं सिंगल थे तो इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, आपकी शादी की बात चल सकती है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, किस्मत साथ दे रही है, सडनली आप अपने ऑरा है ना उसको बदलेंगे, बहुत अच्छे लोग, वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा समय, एक फ्रेंड्स मिलेंगे, कम्युनिकेशन पावर बढ़ने वाली है, ट्रिप लगाने की सोचेंगे, सडनली चीज़ें बदलेगी, 8th हाउस से 9th हाउस में ट्रांसफॉर्म होकर के निकल गए आप। इससे पहले केतु के साथ बैठे हुए थे शुक्र 8th हाउस में, वो भी डेविलेटेड पोजिशन में, तो आपके ऊपर प्रारब्ध कर्मा का जो अटैक आया हुआ था, या प्रारब्ध कर्मा की जो सीन चल रहे थे कि मुझे ये भी करना वो भी करना है, ट्रांसफॉर्म होकर निकले हैं। 9th हाउस इज वेरी गुड, क्योंकि इंसान 8th हाउस को क्रॉस करके निकलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय, गुड टाइम, पर्सनलिटी बदलेंगे, थॉट बदलेंगे, घूमना फिरना, विदेश की यात्राएं प्लान कर दिया, खाने पीने इन सबको भी चेंजेस करेंगे, क्या मुझे ये करना है वो करना है, किस तरह से रहता हूँ, क्या खाना चाहिए मुझे, मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, घर का होमली एनवायरनमेंट कैसा है, किसके साथ डेटिंग करनी है, साथ नहीं करनी है, फिजिकली बॉडी को भी यूज़ करने वाले हैं, गुड टाइम फॉर ग्रोथ होगी, पर्सनलिटी चेंज होगी। पहली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, पाइसेस वालों के लिए ट्रांसफर करेंगे आपके 8th हाउस में, इस समय आपका रिलेशनशिप, उसको इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका रिलेशनशिप इस समय क्या काम कर रहा है, या ऑलरेडी से क्या काम वो करता था, यानी कि आपके आपके पार्टनर के साथ में किस तरह की बॉन्डिंग थी, इस समय वो सारी चीज़ें निकल करके बाहर आ रही आएंगी। कुछ चीज़ें हो सकती है कि बड़े लेवल पर बदलें। 8th हाउस में जब शुक्र आते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़त्म करके भी दूसरी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो है मृत्यु की जगह, और लिब्रा है, लिब्रा इज ए बैलेंसिंग, अगर इस समय आपने बैलेंस नहीं रखा, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, स्पेशली इन योर पब्लिक इमेज, तो हो सकता है कि उस बैलेंस में प्रॉब्लम आ जाए, सडनली आपके पार्टनर के साथ आपका बड़े लेवल का कट ऑफ हो जाए। मार्च 4th हाउस में और सेटर्न 12th हाउस में इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई शुक्र है बट 8th हाउस में है, आपके रिलेशनशिप की जो पावर है उसको कहीं ना कहीं कोई बड़े लेवल की एक ना कि डाउन लग रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपको लग रही है। उसके अलावा पाइसिस वालों को एक बात कहना चाहती हूँ कि इस समय अगर आप ऑलरेडी से कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसको कि आपने दुनिया से छुपाया हुआ था, या हो सकता है आप स्टार्ट कर दें कि दुनिया से छुपा के कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर दें, तो सडनली बिकॉज ऑफ दैट आपकी पब्लिक अपीयरेंस से प्रॉब्लम आ सकती है, या सडनली वो चीज़ बाहर आ सकती है और आपको बड़े लेवल की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मार्स डेविलेटेड पोजिशन में 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। सोशल मीडिया पे कोई मित्रता बना रखी थी, किसी साथ चैटिंग कर रहे थे, या कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिसको आपने रख रखा था, तो वो सब चीज़ें हो सकता है जो सडनली उजागर हो जाए और आपको बड़े लेवल का प्रॉब्लम आ जाए, या आपको कोई बहुत निगेटिव आई कैन से की चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप को संभालिए, और अगर आप कोई नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं या सिंगल, तो भी आप ऐसा कीजिए कि आपको छुपाना ना पड़े, दुनिया से छुपा के वो काम करते हैं ना, वो काम गलत ही होता है, इसलिए हम छुपाते हैं। ऑलरेडी से अगर कोई डिबेट चल रही थी, या ऑलरेडी से कोई कोर्ट केस चल रहा था, या ऑलरेडी से कोई इस तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम कर रहा चल रहा था, या फिर कोई पब्लिक डीलिंग आप कर रहे थे, चाहे आपके घर की बात कर लूँ, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग की बात कर लूँ, तो उन सब चीज़ों में हो सकता है कि सडनली आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि पहले तो 7th हाउस में ट्रांसफर कर रहे थे शुक्र, तो कहीं ना कहीं विद केतु डेवलेटेड पोजिशन बट यू आर कंफर्टेबल, 7th हाउस का कहने का संभाला हुआ था, बट अब चीज़ें बदल रही हैं। आपके पास में की हुई जो प्रॉब्लम्स थी, या पास में किए हुए जो कर्मा थे, वो सब आपको इस समय भोगने पड़ेंगे। 8th हाउस है यहाँ पे, केतु की जगह, केतु का प्लेस होता है 8th स्कॉर्पियो, लेकिन लिब्रा है, पाइसिस वालों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय सडनली आप हो सकता है अपने घर से कट ऑफ हो जाए, सडनली आपको कोई कोई कोर्ट केस आ जाए, सडनली आपका पार्टनर आपको परेशान कर दे, या सडनली कोई ऐसे कि बोले कि चलती चलती लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए गृहस्थी में, या अगर आप डेटिंग भी कर रहे थे तो सडनली आपको लगे कि वो चीज़ें आप काम नहीं कर रही, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती बड़े लेवल की। उसके अलावा इस समय आपको आपके करियर में रिस्क नहीं लेनी है, घर की कोई प्रॉपर्टी या डीलिंग कर रहे थे तो उसको अवॉइड कीजिएगा, कोई भी नया काम कर रहे हैं तो उसको इस समय आप अवॉइड करना बेटर होगा। उसके अलावा यू शुड वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशंस,
उसको लेकर के प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपका जो एक पैसा होता है ना हेरिटेज का पैसा या ऐसा पैसा जो हम बिल्कुल रखते हैं साइड में, उसमें हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए या सडनली आपके जो ऑलरेडी से आपने इन्वेस्ट किए हुए चीज़ें हैं, पैसा इन्वेस्ट किया है, उसी बड़े लेवल का लॉस इस समय आपको मिल सकता है। तो अवॉइड कीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा इन सब चीज़ों। मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द वीनस ट्रांसिटिंग इन टू द लिब्रा। डेविलेटेड क्वेश्चन से बाहर आ गए हैं, बहुत अच्छी पावर क्वेश्चन में वीनस इस समय है, उसके अलावा इस समय ट्राइंग में है विथ मार्स एंड सैटर्न, तो पावर बहुत हाई लेवल की इस समय वीनस को मिल रही है। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ आप सभी को, सारे जोड़े सैनिकों की, इस समय आपकी रिलेशनशिप के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि किसी को भी अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व कर लेना या किसी से तुरंत कट ऑफ कर लेना, इस बात का ध्यान रखिए। तो की वॉच माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे लास्ट। गुड बाय।